नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दोस्त ऑनलाइन आ जाएंगे, जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे जल्दी से और शेयर कर देंगे। जल्दी से अपन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और नया टॉपिक शुरू करते हैं आज से। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, अब जो नया टॉपिक अपना शुरू होने वाला है वो है राजस्थान में जनजाति आंदोलन। राजस्थान में जनजाति आंदोलन जो न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है दोस्तों अपन ने, उसका नाम है राजस्थान में जनजाति आंदोलन। एक बार रिकॉल कर देता हूं दोस्तों, मैं पिछली वाली क्लास की अपन ने पिछली वाली क्लास में किसके बारे में बात करी, जो नए बच्चे हैं जो नए जुड़े हैं आज उनके लिए दोस्तों अपन बात कर रहे थे प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। जो 4 या 5 क्लास लगी थी वो प्रजामंडल के बारे में लगी थी, ठीक है। प्रजामंडल खत्म हो चुके हैं, प्रजामंडल मैंने आपको डिटेल से जितना भी उसमें मैटर मिलता है प्रजामंडल के बारे में जितनी भी जानकारी रहती मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। और रही बात दूसरी की प्रजामंडल आपको किस तरह से याद करने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है, किस पर ज्यादा फोकस करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, किस प्रजामंडल में से कौन कौन से क्वेश्चन पहले पूछे गए थे और कौन कौन से आने की ज्यादा संभावना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब यही पहले किसान आंदोलन के बारे में बात करी दोस्तों अपन ने, उसके बाद प्रजामंडल आंदोलन के बारे में बात करी और अब नए आंदोलन की अगर बात करें तो वो है जनजाति आंदोलन। दो शब्द इसमें जुड़े हुए हैं दोस्तों, सभी पहले वीडियो को लाइक कर देंगे शेयर कर देंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। दो वर्ड इसमें जुड़े हुए हैं दोस्तों, एक है जनजाति और दूसरा है आंदोलन। आंदोलन के बारे में मैंने आपको परिभाषा बताई थी, डिटेल से समझा था कि आंदोलन क्या होता है। बात करें जनजाति यानी कि अपने राजपुताना में राजस्थान में जनजाति निवास करती है, जिसको आपने इंग्लिश में देखा होगा ST जनजाति, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी जातियां आती है जो उन जातियों के द्वारा जो किए गए जो आंदोलन है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं जैसे भील आंदोलन आएगा वो जनजाति आंदोलन में आएगा, इसके बाद मीणा विद्रोह मीणा द्वारा किया गया आंदोलन आएगा वो भी जनजाति विद्रोह है, गराशिया जाति सहरिया जाति ये प्रकार की जो जातियां होती है ये होती है, कुछ लिमिटेड जाति जो है वो जनजाति में आती है, ठीक है। तो ये मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले अगर बात करें अपन दोस्तों कि अपने राजस्थान में, ये अपना राजस्थान रहा, छोटा सा मैप बना देता हूँ दोस्तों मैं, बिल्कुल जैसा भी बने आप समझ जाना कि ये राजस्थान है अपना, ठीक है, ये राजस्थान है, ठीक है। अब ये जो संपूर्ण राजस्थान है इसमें टोटल टोटल जनजाति टोटल जनजाति कितनी बात करें कि संख्या कितनी है, जनजाति संख्या अगर संख्या की बात करें तो कितनी जनजाति निवास करती है अपने राजस्थान में, 12 जनजाति निवास करती है। कितनी जनजाति निवास करती है दोस्तों, 12 जनजाति निवास करती है। और अगर बात करें कि इस राजस्थान के मैप में कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाहुल्य है जनजाति, यानी कि सबसे ज्यादा निवास करती है, होता है ना ये ऊपर वाला उत्तर क्षेत्र है, नीचे वाला दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, पूर्व पश्चिम क्षेत्र, ये इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं। हर जगह अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं, आपने ज्योग्राफी में भी देखा होगा कि हाँ ये मैदानी भाग है, ये पहाड़ी इलाका है, ये पर्वतीय इलाका है। इस तरह से अपन जनजाति की बात करें तो दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र, ये वाला जो दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र होता है, दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र है, बाहुल्य जनजाति, ठीक है। ये जो बाहुल्य जनजाति क्षेत्र है ये होता है दोस्तों दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र जो है इसमें सर्वाधिक जनजाति निवास करती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पहले बात करिए अपन ने दोस्तों टोटल जनजाति संख्या कितनी है, यानी कि कितनी जातियां हैं जो जनजाति में आती है, यानी कि ST वर्ग में आती है, तो वो कितनी है, 12। कौन सा क्षेत्र जो है जहां पर बाहुल्य ज्यादा मिलता है, यानी कि इनकी जनसंख्या देखने को आपको मिलती है, वो है दक्षिण पहाड़ी इलाका। आपने देखा होगा पुराने इतिहास पढ़ा होगा दोस्तों, ये निवास जो करती है पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा निवास करती है, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों अपन तो सभी पहले वीडियो को लाइक, आपको ये सारी चीज समझ में आई, दो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बता दी। इसके बाद अगर बात करें अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कि जनसंख्या, पूरी जो कंप्लीट जनसंख्या है राजस्थान की उनमें जनजाति संख्या कितनी है, उनका कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, कितनी करती है दोस्तों, 13.5%। कितनी प्रतिशत दोस्तों, 13.5%।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निवास करने वाली जनजाति जो है उनका पूरी संपूर्ण प्रतिशत का कितना प्रतिशत निवास करती है राजस्थान में जनजाति, वो है 13.5 2011 की जनगणना के अनुसार। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? टोटल जनसंख्या, जनजाति संख्या कितनी है, यानी कि जनजाति कितनी निवास करती है, 12। जनसंख्या प्रतिशत कितनी है जनसंख्या की, जो ये जनजाति की जो जनसंख्या है ये कितना प्रतिशत है, 13.5 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगर बात करें अपन 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार तो ये जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 12.56 जनसंख्या प्रतिशत। तो ये कंफ्यूज मत होना, अगर ऑप्शन में 12.56 प्रतिशत भी मिल जाता है आपको, 13.5 प्रतिशत भी मिल जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाओ, कितना है 13.5 प्रतिशत, जबकि ये जो वाला है आंकड़ा ये है 2001 की जनगणना के अनुसार। ये मैंने आपको जो आंकड़े बताए हैं 13.5 प्रतिशत, ये संपूर्ण जनसंख्या है पूरे राजस्थान में, संपूर्ण जो 12 जनजातियां निवास करती है उनकी पूरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है उनका, 13.5 प्रतिशत। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको सारी जनजातियों के बारे में कि कितने प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां पर निवास करती है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। लिख लिया सभी ने? चलिए बात करते हैं अब आगे। ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? देखो यहाँ से क्वेश्चन आने की, अपन आंदोलन के बारे में बाद में बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में दोस्तों, डायरेक्ट अपन चलेंगे भील आंदोलन के बारे में। ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनके आंकड़े जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बात करें सर्वाधिक जनजाति कहां पर निवास करती है, सर्वाधिक जनजाति और जो सर्वाधिक जनजाति निवास करती है यहां पर, यानी कि संपूर्ण प्रतिशत सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पर मिलता है, तो मिलता है दोस्तों सबसे पहले आता है उदयपुर का नाम, कहां पर आती है उदयपुर, कहां पर निवास करती है दोस्तों, उदयपुर में निवास करती है। इसके बाद आता है सिरोही, इसके बाद आता है डूंगरपुर, फिर आता है बांसवाड़ा, और यहां पर जो संपूर्ण जनजाति निवास करती है वो 28 प्रतिशत से अधिक है, यानी कि ये जो चार जिले मैंने आपको बताए हैं सर्वाधिक जनजाति जहां पर निवास करती है, उदयपुर है, सिरोही है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है। देखो एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि हो सकता है आपको उदयपुर ऑप्शन में ना मिले, तो आपको सिरोही मिलेगा तो बिल्कुल आपको सिरोही आंसर लगाना, हो सकता है उदयपुर सिरोही दोनों ना मिले, डूंगरपुर से स्टार्ट कर दे वो, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर राइट आंसर होगा। ठीक है, हो सकता है तीनों ना दे, बांसवाड़ा से शुरू कर दे और बाकी तीन जिले अलग जिले दे दे, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बांसवाड़ा होना चाहिए, डिपेंड करता है दोस्तों आपके क्वेश्चन पर। ये चार जिले जो आप सभी प्रकार के जो भी आप आंकड़े देखते हो, बड़े जिले, छोटे जिले, प्रतिशत जिले, लिंगानुपात वाले जिले, जितने भी आपके छोटे बड़े वाले जिले होते हैं इनमें आप ज्यादातर याद करें चार जिलों के नाम, तो स्टार्टिंग वाले नीचे ऊपर से चार जिले और नीचे से चार जिले, ये जरूर याद करके जाए। आजकल का एग्जाम का जो पैटर्न हो गया वो बिल्कुल बदल चुका है, पहले क्या रहता था कि सबसे बड़ा जिला तो बिल्कुल ऑप्शन में जैसलमेर मिल जाता था, आप अगर ये पूछ लेते हैं आज के जमाने में कि आज के जमाने में सबसे बड़ा जिला है तो ऑप्शन में जैसलमेर रहता ही नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि चार जिले उसने कौन से दिए, इन चार जिलों में से सबसे बड़ा जिला क्रम से जमाइए, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, इसीलिए सभी जिलों के जो है क्षेत्रफल भी याद हो जाना चाहिए, उनके लिंगानुपात याद होने चाहिए, सब कुछ चीजें, जितना डीप आप जाओगे उतना ही आपका सिलेक्शन परफेक्ट बनेगा, नहीं तो कुछ पॉइंट्स जो रह जाते हैं ना उनका मेन कारण यही रहता है कि बाद में फिर दुख होता है, इसलिए ये पहले से बता देते हैं अपन। ठीक है, सर्वाधिक जनजाति 28 प्रतिशत से अधिक निवास करती है यहाँ पर, सबसे पहले क्रम में 1 नंबर पर है उदयपुर, सेकंड नंबर पर है सिरोही, थर्ड नंबर पर है डूंगरपुर और फोर्थ नंबर पर है बांसवाड़ा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? सभी को समझ में आया? ठीक है, बात कर लेते हैं पर्टिकुलर जो जनजाति है उन वो कौन कौन सी है और सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है। ठीक है, पहले नंबर पर अगर बात करें अपन दोस्तों मीणा जनजाति के बारे में, मीणा जनजाति कहां पर सर्वाधिक है, बात कर रहे हैं पर सर्वाधिक, मैं आपको लाइन से लाइन लिखा रहा हूं और इसको मिटा देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं ये 28 प्रतिशत से अधिक। ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं मैं जनजाति,
पहले बात कर रहे हैं जनजाति के बारे में, इधर बात करेंगे सर्वाधिक, ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? मीणा जनजाति के बाद बात कर रहे हैं अपन, कहां पर निवास करती है सबसे ज्यादा? ये जयपुर में, ठीक है? कितनी प्रतिशत है? 49.88%। ये 2011 के आंकड़े हैं दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी के आंकड़े नहीं है। 10 साल में जनसंख्या की जनगणना होती है, अभी होनी थी लेकिन कोरोना काल के कारण सभी बाहर थे, जो भी टीचर वगैरह की ड्यूटी लगती है, जो भी अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है वो नहीं लगाई, और 2021 में जनगणना आनी थी। आपका अच्छा चांस बन रहा है कि अभी से एग्जाम हो जाए और सारे नए डाटे जो डाटा नहीं आया आपके, नहीं तो नए डाटा आ जाएंगे तो नई चीजें याद करनी पड़ेगी, ये तो कम से कम आपके दिमाग से 10 बार निकले हुए, ठीक है? इसके बारे में बात करें सेकंड नंबर पे, इसका फर्स्ट नंबर का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में कौन सी जनजाति निवास करती है, वो है मीणा जनजाति। इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है भील जनजाति, ठीक है? मीणा के बाद आता है भील जनजाति, ठीक है? भील जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? उदयपुर में। कितना प्रतिशत है उदयपुर में? 4401.01%, ठीक है? अगर यहां पर बात करें जयपुर की, बात यह है सवाई माधोपुर में, ठीक है? इसके बाद थर्ड नंबर पे बात करें अपन गराशिया, कहां पर है सर्वाधिक? सिरोही में। सी से याद रखना ये सिरोही, ठीक है? सी से क्या याद रखोगे? सिरोही। और भील जनजाति बिल्कुल याद करने की जरूरत ही नहीं, ये तो आप आंदोलन में पढ़ोगे। मेवाड़ का जो इलाका है पूरा क्षेत्र वह भील जनजाति से है। आपने राजा महाराजा के टाइम जो महाराणा प्रताप के युद्ध लड़े थे उसमें भी भीलों का बहुत बड़ा योगदान, तो वहां पर भी पढ़ा होगा आपने इस जनजाति के बारे में। तो ये तो कोई नहीं भूलेगा कि मेवाड़ क्षेत्र में जो सर्वाधिक जनजाति निवास करती है वो है भील जनजाति, ठीक है? मीणा जनजाति कहां पर सर्वाधिक निवास करती है? जयपुर, रॉयल मीणा के नाम से जाने जाते हैं ये, ठीक है? इसके बाद गराशिया जनजाति कहां पर निवास करती है? सी से याद रखोगे सिरोही, ठीक है? इसके बाद सिरोही में कितने प्रतिशत है, ये याद रखना आप, 2.34%, ठीक है? यानी कि 2.34% जो है वो सिरोही में जनजाति निवास करती, कौन सी? गराशिया। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों, फोर्थ नंबर पे आता है गराशिया के बाद सहरिया, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति निवास करती है सबसे ज्यादा 12 में। बहुत सारे पहले ऐसे समझते थे, जब मैं कंपटीशन की तैयारी करने गया था तो दोस्तों ये सहरिया मैंने वर्ड सुना था तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था कि सबसे ज्यादा सिटी वाला इलाका कौन सा है, मुझे ये ही नहीं पता था दोस्तों कि ये जनजाति के नाम है। तो आप भी अगर नए स्टूडेंट जुड़े हुए, नए नए वर्ड पढ़ेंगे, नई चीजें जानने को मिलेगी, तो ऐसे मत समझना। अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं जनजाति के बारे में, सहरिया एक जनजाति का नाम है जो सबसे ज्यादा कहाँ पर निवास करती है? 12 डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। कितनी प्रतिशत है? 0.98%, सर्वाधिक यही है जो कहाँ पर है निवास? 12 में, ठीक है? आप ये लिख लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट और बताता हूँ मैं आपको। सहरिया की बात करें दोस्तों, इसके बाद आता है नेक्स्ट डामोर जनजाति, डामोर जनजाति, ड से याद रखना डूंगरपुर, ठीक है? डामोर डूंगरपुर, डूंगरपुर, ठीक है? डामोर याद रह जाएगा, डूंगरपुर कितना है? 0.75%, 0.75%, ठीक है? याद हुआ। इसके बाद बात करें दोस्तों डामोर के बाद मिलती है जनसंख्या सांसी, सांसी ये कहां पर है? भरतपुर में सर्वाधिक है। कहां पर है? भरतपुर में। कैसे याद रखोगे? देखो सांसी को बोलो आप, सांसी बोलोगे तो बिल्कुल झांसी निकलेगी आपके मुंह से, और झांसी यूपी, भरतपुर का इलाका यूपी का जो टच में है वो है भरतपुर, ठीक है? तो झांसी कहां पर है? यूपी में, ठीक है? तो यूपी का इलाका राजस्थान के कौन से जिले से टच कर रहा है? बिल्कुल भरतपुर से टच कर रहा है। भरतपुर का आधा इलाका यूपी में लगता है, लोग ही वहां की यूपी भाषा ही ब्रजभाषा बोली जाती है राजस्थान में, ठीक है? तो आप कैसे याद रहेगा? झांसी, झांसी से भरतपुर, ठीक है? याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सभी को याद हो जाएगा ना। कितनी प्रतिशत है? 0.50%, ठीक है? इतनी झांसी निवास करती है जनजाति, ठीक है? इसके बाद बात करें झांसी के बाद कतौड़ी जनजाति,
कतोड़ी जनजाति, ये कहां पर निवास करती सर्वाधिक? उदयपुर में। कहां पर निवास करती है? उदयपुर में। अगर उदयपुर की बात करें सबसे ज्यादा तो कोटड़ा में, उदयपुर में भी कहां? कोटड़ा में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद बात आती है कंजर जनजाति के बारे में। ठीक है, ये कहां पर निवास करती है? कोटा बूंदी। कंजर जनजाति सर्वाधिक कहां पर मिलती है? कोटा बूंदी इस क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, ये हुई बात किसकी? पर्टिकुलर जनजातियां जो मैंने आपको बताई, 12 जो जनजाति निवास करती है अपने राजस्थान में, उनमें पर्टिकुलर कौन सी जनजाति कहां पर सर्वाधिक पाई जाती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2-3 चीजें और बताएंगे, फिर आंदोलन के बारे में शुरू कर देंगे अपन। लिख लिया सभी ने? तो ये हुई बात दोस्तों, कुछ आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूं आपको जनरल नॉलेज के लिए आपको याद होने चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों जनजाति आंदोलन, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे भील आंदोलन। और बात करें दोस्तों इनके बारे में अगर, तो सबसे न्यूनतम, सबसे सर्वाधिक तो मैंने आपको बता दिया कि सर्वाधिक कहां पर है? उदयपुर में, सिरोही में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में। ये तो सर्वाधिक हुआ। और सबसे न्यूनतम जनजाति बात करें भाई, अधिकतम और न्यूनतम दो चीजें होती है। सबसे न्यूनतम जनजाति कहां पर निवास करती है? तो कहां पर निवास करती है दोस्तों, याद रखना, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यह हुई बात, सबसे न्यूनतम जनजाति बीकानेर में। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, यह भी याद रख लेना, सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, कौन से प्रतिशत की जिले की बात करें? जनजाति जहां पर सर्वाधिक प्रतिशत में जिले में जनजाति पाई जाती है, कौन सा है? बांसवाड़ा। और सर्वाधिक तो ये है, और बात करते हैं अपन न्यूनतम के बारे में। न्यूनतम प्रतिशत जनजाति, जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो वो है बीकानेर। अगर बीकानेर आपको ऑप्शन में नजर नहीं आए तो नागौर लगाना है आपको। क्या लगाना है दोस्तों? नागौर। और अगर दोनों आ जाए तो दोनों राइट करने हैं। इस तरह से टाइप के भी पूछता है वो, बीकानेर, नागौर, कोटा, बूंदी, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, भरतपुर। तो अगर बीकानेर नागौर ऑप्शन में, तो राइट आंसर लगाना है बीकानेर नागौर। ठीक है, अगर लिंगानुपात की बात करें दोस्तों जनजाति के लिंगानुपात की, कि इनका लिंगानुपात कितना है, कितना है लिंगानुपात? 948। कितना है दोस्तों? 948। जिसमें अगर 948 में सबसे ज्यादा की बात करें, यानी कि प्लस की और माइनस की, प्लस माइनस मतलब सर्वाधिक और न्यूनतम, तो डूंगरपुर है सर्वाधिक तो, और न्यूनतम कहां है? धौलपुर में। ये 2011 के आंकड़े के अनुसार बता रहा हूं मैं ये सारी चीजें आपको, जो भी बता रहा हूं 2011 की जनगणना में बताया गया है। आपके आंकड़े मिल जाएंगे, आप देख लेना, गूगल पे नेट पर सर्च कर लेना, वहां पर भी आपको यही मिलेंगे। लिंगानुपात 1000 में रहता है, 948 है, डूंगरपुर, धौलपुर। ठीक है, याद हुआ, क्लियर हुआ? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ते हैं दोस्तों भील आंदोलन के बारे में। ठीक है, आप इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी को क्लियरली समझ में आ रहा ना? सभी को समझ में आ रहा है क्लियरली? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बात कर लेते हैं अपन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भील आंदोलन। ठीक है, बात करते हैं अपन भील आंदोलन के बारे में। ठीक है, भील आंदोलन के बारे में बात करते हैं। देखो, अब बात कर ले, देखो भील आंदोलन के बारे में, अगर पर्टिकुलर अपन भील आंदोलन के बारे में बात करें, भील एक क्या है? जनजाति। इनके द्वारा किया गया जो आंदोलन है वही भील आंदोलन कहलाता है। अब सबसे बड़ी बात है, आंदोलन चल रहे, विद्रोह करना एक ही बात होती है, तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था? जैसे आपने किसान आंदोलन देखे वैसे ही भील आंदोलन शुरू हुए थे। ये कई चरणों में शुरू है, जिनके मैं आपको चरण भी बता दूंगा कि कई चरणों में शुरुआत हुई थी इनकी,
और भील आंदोलन क्यों करे थे? वही अंग्रेजों द्वारा दी गई, अंग्रेजों की जो सुव्यवस्थाएं थी उनके द्वारा जो याचनाएं दी गई थी, शोषण किया जा रहा था भीलों का, उसके खिलाफ भीलों की एक लड़ाई थी और वही क्या लड़ाई क्या कहलाई? आंदोलन कहलाया। यानी कि अंग्रेजों की नीतियों से परेशान थे कुल मिला के कौन? भील जनजाति के लोग। और उनके द्वारा बहुत सारी जो व्यवस्थाएं थी, बहुत सारे जो रूल्स बनाए गए थे भीलों को लेकर, जैसे कि भील क्या है, बहुत सारे इनके एक काम करने का तरीका थोड़ा अलग था लोगों से, इनका थोड़ा जीने का ढंग अलग था, तो अंग्रेजों द्वारा उन तरीकों को या फिर उनके ऊपर बहुत सारे कर लगाना ये भीलों को पसंद नहीं आया। तो इसीलिए भीलों ने के द्वारा किया गया जो आंदोलन है वही कौन सा आंदोलन कहलाया? भील आंदोलन कहलाता है। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है सभी को? इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसको समझने के लिए आपको एक अथाह टॉपिक चाहिए या फिर अथाह नॉलेज की होने की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर आपको पहले आंदोलन, किसान आंदोलन पढ़ाए, वही कुछ चीजें यहाँ पर भी आती है, कर वगैरह लगाना भी, जैसे इनके तरीके बदलना, ये सारी चीजें थी जो इसके कारण ही भीलों ने आंदोलन किया था। तो अपन ऐसा नहीं देख सकते कि यार इनके लिए कोई अलग से व्यवस्था ये चाहते थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे। ये बस यही चाहते थे कि हमारे राजा जो महाराजा जो यहाँ के मेवाड़ जो क्षेत्र है, इसके जो दक्षिण में जो यहाँ के जो लोग हैं ये भी हमारी बात सुने, या फिर हम जो व्यवसाय कर रहे हैं इस व्यवसाय में बने रहे, ये व्यवसाय चलता रहे, इस तरह के हम जो काम कर रहे वो बना रहे। बस ये इतनी सी चीजें थी इनकी जिनकी मांग थी। कई जगह इनके मांग पूरी भी की गई और कई जगह इन्होंने क्या किया, एक संघर्ष भी किया, एक लड़ाई भी लड़ी, और उस लड़ाई संघर्ष के कारण ही ये आंदोलन एक क्रूर आंदोलन भी कहलाता है। भीलों के द्वारा जो किया गया संघर्ष है वो आंदोलन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा जो सुव्यवस्थाएं थी, जो व्यवस्थाएं इनके ऊपर थोपी गई थी लाई गई थी, उसके कारण उसके खिलाफ एक आंदोलन था और वो भील आंदोलन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। ठीक है, इतना बड़ा मैटर नहीं है कि आप इतना, जो अब यहाँ से इंपोर्टेंट जो चीजें बनेगी, जहां से क्वेश्चन आने की सबसे सर्वाधिक संभावना है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि भील आंदोलन के प्रथम चरण की अपन बात करें, तो प्रथम चरण कहां से प्रारंभ हो जाता है? लगभग ये 1818 में जो संध्या हुई थी उसके बाद ही प्रारंभ हो जाता है। 1818 याद रखना, इसके बाद कुछ प्रारंभ संध्या थी वो हो जाती। एक बेलाई कर, कौन कौन से कर आते हैं? बेलाई कर और रखवाली कर। वहां के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा द्वारा, मेवाड़ राज्य के जो महाराणा थे इनके द्वारा बेलाई कर रखवाली कर लगा दिए गए थे। इन पर नियंत्रण चाहते थे कौन? भील जाति के जनजाति के लोग। तो इन पर नियंत्रण चाहते थे, इसीलिए इन्होंने नियंत्रण चाहने के लिए फिर क्या किया, भील जनजाति ने क्या किया, विद्रोह किया। इस टाइम प्रथम चरण की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नॉर्मल सी चीज हुई थी, भीलों के द्वारा विद्रोह किया गया। भीलों के द्वारा विद्रोह करने पर ये कर जो थे ये हटा दिए गए थे, और यहाँ पर भीलों के क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। ये एक नॉर्मल सी चीज मैं आपको लेके चल रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इतनी कहानियां भी नहीं आती, जो नॉर्मल सी चीजें मैंने आपको वो बताई है। ठीक है, तो 1818 में जो प्रथम चरण देता है, इससे यहां से प्रारंभ हो जाता है कुल मिला के, बात ये है। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है, जैसे अपन बात करें 1825 की बात करें अपन, ठीक है, किसकी बात करें, 1825 की बात करते हैं। ठीक है, बात कहाँ की करते हैं, डूंगरपुर राज्य की। क्योंकि डूंगरपुर भाई रियासत है, तो डूंगरपुर राज्य की बात कर लेते हैं, यानी कि अभी पर्टिकुलर डूंगरपुर जिले की बात कर लेते हैं। डूंगरपुर जिले के क्षेत्र की बात करें जिसका नाम है लिम्बारा बार है। ठीक है, ये एक क्षेत्र होता है जहां पर अंग्रेजों और जो भील जनजाति के लोग थे या नेता थे, अंग्रेजों और भील जनजाति के मध्य एक समझौता किया जाता है। कौन सा समझौता किया जाता है? 1825 में। अगर याद रखो तो 18 को आगे रख लेना और मई लगा देना, 5 लगा देना, पीछे का 5 और आगे के 18, 18 को यहां भेज देना, 5 को यहां भेज देना। 18/5/1825 को एक समझौता हुआ था लिम्बारा बार में, जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, भील जनजाति और अंग्रेजों के मध्य। देखो क्या होता है कि जो प्रथम चरण था उसमें यही रहता है कि कुछ अलग अलग कर, जो मैंने पर्टिकुलर बेलाई कर और रखवाली कर था ये बता दिए मैंने आपको। तो मेवाड़ राज्य के लोग द्वारा इस पर नियंत्रण चाहते थे भील, तो ये नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए यहाँ पर भीलों को गुस्सा आ जाता है और भील क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं। इसके बाद कुछ समय के लिए चलता है और बाद में समाप्त हो जाता है, यहाँ पर समर्पण हो जाता है और भील यहाँ पर विजय हो जाते हैं और ये खत्म कर देते हैं।
इसके बाद कुछ नीतियां आती है, बार बार वही चीजें शुरुआत हो जाती है और इनके मध्य क्रूरता देखकर अंग्रेजों ने क्या सोचा कि यार ये तो समझौता करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों और भीलों के मध्य समझौता हो जाता है और ये समझौता कहां पर होता है, डूंगरपुर में। तो अंग्रेजों और भील जाति के जो समझौते होते हैं उसमें तीन बातें रखी गई थी। कितनी बातें रखी गई थी दोस्तों? तीन बातें रखी गई थी। तीन बातें सुन लेना, बताने की कोई लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे पहली अगर बात करें अपन कि पहली शर्त कौन सी रखी गई थी, जो यहाँ के मुखिया रहते हैं बिल के जो मुखिया रहेंगे उसको क्या बोलते हैं? गमेती। मुखिया क्या बोलते हैं? गमेती। बिलों के मुखिया को एक क्वेश्चन आता है कि गमेती कौन सी मुखिया को बोला जाता है? बिल मुखिया को बोला जाता है। ठीक है, ये याद है सभी को। तो गमेती जो बिल का जो मुखिया होगा उसको महाराणा के द्वारा, यानी कि एक तो परेशान नहीं किया जाएगा और एक शर्तें भी लागू नहीं होगी। ठीक है, यानी कि महाराणा की सर्वोच्च अलग चीज होती है और बिल मुखिया जो बिलों के जो मुखिया रहते हैं उनकी सर्वोच्च अलग है। यानी कि महाराणा ने कोई मान लो आदेश निकाल दिया तो बिल्कुल आपको पालन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो ये पहली शर्त रखनी पड़ेगी इसको मान लेते हुए। ठीक है, इसके बाद जो आप जो विद्रोह करते हो, आंदोलन करते हो, उसमें आपके पास बहुत सारे हथियार रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आदिवासी में, आपने पुराने चित्र देखे होंगे, आदिवासी जो लड़ाई लड़ी थी, इन्होंने संघर्ष किए थे अपने जीवन को लेकर, उसमें आपने पुराने चित्र देखे होंगे, जो पहाड़ी क्षेत्र पर बिल जनजाति निवास करती थी, तो पहाड़ी क्षेत्र से ये तीर बाण कमान वगैरह रखते थे, ये इनके पास हथियार रहते थे। तो वो हथियार आपको सौंपने पड़ेंगे किनको? महाराणा को सौंपने पड़ेंगे। आप कोई भी हथियार नहीं रखेगा, ये इनकी दूसरी शर्त थी। पहली शर्त तो क्या है कि आपको महाराणा के सर्वोच्च पद को मानना पड़ेगा, उनके नियम कायदे मानने पड़ेंगे। दूसरी शर्त क्या थी कि आपको जितने भी आपके पास हथियार है वो आपको लौटाने होंगे, समर्पण करना होगा एक तरह से। ठीक है, इसके बाद तीसरी शर्त ये रहेगी कि जो महाराणा जो ठिकानेदार के जो ठाकुर है और जो पॉलिटिकल एजेंट है, कौन है? पॉलिटिकल एजेंट और महाराणा, इनके जो जो आदेश जो रहेंगे, यानी कि जो भी ये लोग आदेश निकालेंगे वो आपको मानने पड़ेंगे। ये इनके तीन कुछ पर्टिकुलर शर्तें होती है जो इस समझौते में बोली जाती है और ये समझौता मान लेते हैं और यहाँ पर ये खत्म हो जाता है मामला। इसके बाद ये कब की बात होती है? 1825 की बात होती है। ठीक है, कब की बात होती है? 1825 की बात होती है। ये चलता है मैटर, तीन आदेश निकाल दिए, और इसी के एक साल बाद बात आती है 1826 की। कब की बात आती है दोस्तों? 1826 की बात होती है। और 1826 में क्या होता है? एक विद्रोह हो जाता है। विद्रोह किस किस के मध्य होता है? एक मुखिया रहते हैं दौलत सिंह, विद्रोह होता है जिसमें एक गराशिया बील, गराशिया और बील जनजाति के मुखिया रहते हैं, उसका नाम रहता है दौलत सिंह। क्या नाम रहता है? दौलत सिंह, और एक और नाम रहता है गोविंदा। दो नाम आते हैं जिसमें विद्रोह में जुड़े हुए थे, दौलत सिंह प्लस गोविंदा। ये दो लोग रहते हैं, ये विद्रोह कर देते हैं। किन से विद्रोह कर देते हैं? अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट से, अंग्रेजों से, अंग्रेज अधिकारियों से, वहां के महाराणा द्वारा विद्रोह कर देते हैं। और बाद में क्या करना पड़ता है? ये विद्रोह चलता रहता है। अब देखो, मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूं ना, आप ऐसे मत समझना कि सर आप बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आएगी। आपने हर एक गाइड या हर एक वीडियो देख लेना, कोई सा भी इंपॉर्टेंट चीज आती है बिल्कुल गुरु गोविंद सिंह गिरी के बाद, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। ये कुछ मैं आपको इतना डिटेल से ले जाना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिल जनजाति के द्वारा जो किया गया संघर्ष, जो विद्रोह है वो ना भूलें। इनके विद्रोह को, इनके संघर्ष को आप याद रखें, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 1826 में ये विद्रोह कर देते हैं, मैं प्रथम चरण से लेके चल रहा हूँ आपको। तो गराश या बिल जनजाति के लोग रहते हैं दौलत सिंह और गोविंदा, इनके द्वारा विद्रोह किया जाता है, अंग्रेजों से विद्रोह करते हैं, और बाद में इनको, इन दोनों लोगों को समर्पण करना होता है। तो ये विद्रोह खत्म हो जाता है इनके समर्पण के साथ। किनके समर्पण के साथ? दौलत सिंह और गोविंदा के समर्पण के साथ। ठीक है, तो ये बात होती है प्रथम चरण की। यहां तक सभी को क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया? प्रथम चरण यहां से खत्म हो जाता है, इसके बाद नहीं आता है प्रथम चरण। इसके बाद लगभग अगर बात करें 1825 से 1855 के बाद तक, यहां तक कोई विद्रोह नहीं होता है, ये विद्रोह खत्म हो जाता है, यहां पर विद्रोह समाप्त हो जाता है, निम्न श्रेणी के लिए आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या होता है आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, आगे बताता हूँ फिर मैं आपको। ठीक है, मिटा दूं यहां तक सभी को, समझ में आ गया होगा? देखो, ये होती है बिल आंदोलन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें।
बात करते हैं हम 1841 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 1841 में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है, इसका कारण भी बताऊंगा मैं आपको कि क्या कारण रहा था, ठीक है। ठीक है, 1841 में स्थापना हुई, सभी को पता है किस चीज की स्थापना हुई, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके, किसकी स्थापना हुई थी? मेवाड़ बिल कॉर्पस की, मेवाड़ बिल कॉर्पस की, ठीक है, जिसको कोर भी बोलते हैं, मेवाड़ बिल कोर की स्थापना की गई। कब हुई थी? 1941 में। इसकी मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है? उदयपुर में। अगर उदयपुर की पर्टिकुलर पर बात करें तो कहां पर स्थित है उदयपुर में? खेरवाड़ा, उदयपुर में। कहां पर स्थित है? खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा में इसका क्या है? मुख्यालय स्थित है। 1841 में स्थापना कर देते हैं मेवाड़ बिल कॉर्पस, कोर, कॉर्पस भी आता है कहीं जगह, कोर भी आता है, तो स्थापना कर देते हैं, ठीक है। इसके कमांडर किसको बनाते हैं ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कमांडर कौन थे इसके, किसको पता है? देखिए मुझे बताइए जल्दी से, कौन है इसके कमांडर, ठीक है, जल्दी से बताइए कौन है? विलियम हंटर, क्या नाम है? विलियम हंटर इसके कमांडर है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया? और इस जो मेवाड़ बिल कॉर्पस, जो कोर का मुख्यालय उदयपुर खेरवाड़ा में स्थित था, खेरवाड़ा आपको पता होगा छावनी भी है, सबको पता है 1857 क्रांति में छावनी रही थी, तो इसके तहत कितनी छावनियां बनाई गई थी? दो छावनियां बनाई गई थी। ये खेरवाड़ा वही है जो खेरवाड़ा छावनी थी उदयपुर में, जो 1857 क्रांति में जो विद्रोह के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा जो बनाई गई छावनियां थी, ताकि विद्रोह ना हो, इसीलिए ये छावनी खेरवाड़ा में बनाई थी। तो मेवाड़ बिल कॉर्पस कोर का मुख्यालय उदयपुर खेरवाड़ा में स्थापित हुआ, कमांडर कौन था? विलियम हंटर, और दो छावनियां इसके द्वारा बनाई गई, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया, क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि भारत में, भारत की प्रथम भील सेना का नाम क्या था, कहां से आई थी, कहां से आई थी भील सेना? सबसे पहले भील सेना आई थी बंबई प्रांत से, बंबई प्रांत से। उस सेना का नाम क्या था यह भी याद रखना आप, खानदेशी भील, खानदेशी खानदेशी भील कॉर्पस। सभी वीडियो को लाइक कर देंगे जल्दी से जल्दी, सभी जवाब भी देते जाए। ठीक है, बंबई प्रांत कॉर्पस की सेना आई थी, जिसका नाम था, उस सेना का नाम था खानदेशी भील कॉर्पस। ये भील की, भील जनजाति की प्रथम सेना थी, जो कहां से आई थी? बंबई प्रांत से आई थी। ठीक है, मेवाड़ भील कॉर्पस कोर की स्थापना हुई कब? 1941 में। मुख्यालय कहां पर स्थित है? खेरवाड़ा, उदयपुर में। कमांडर कौन बनाए गए थे? विलियम हंटर। दो छावनियां इसके द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कब की बात है ये? 1841 की। अब बात कर लेता हूं मैं बेग 1839 की, थोड़ा सा बेग चलते हैं अपन, और मैं आपको बताता हूं जो ये मुख्यालय स्थापित किया गया था दोस्तों, इस मुख्यालय का मुख्य कारण क्या था, ये भी आप सुन लेना। इसका मुख्य कारण था, देखो, मेवाड़ महाराणा थे कौन? मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह, महाराणा थे सरदार सिंह। इनके द्वारा अत्यधिक कर वसूल हो रही थी, या फिर याचनाएं, शोषण किया जा रहा था, तो ये सारी चीजों से परेशान हो गए कौन? भील जनजाति के लोग। भील जनजाति पर जो विद्रोह, जो शोषण किया जा रहा था वहां के महाराणाओं द्वारा, या महाराणा द्वारा जो भी कर वसूली की जा रही थी, उससे विद्रोह कर देते हैं भील जनजाति के लोग। अब विद्रोह को रोकने के लिए सरदार सिंह कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो सरदार सिंह ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे एबिंगहस, उससे सहायता मांगने की कोशिश की, लेकिन पॉलिटिकल एजेंट क्या बोल देते हैं कि यह आपका मेवाड़ का पर्सनल मामला है, आप इसे खुद देखिए, इसमें हम आपके साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे आपके साथ। इस तरह से पॉलिटिकल एजेंट का जवाब आ जाता है, और सरदार सिंह जो महाराणा थे वो थोड़ा सा विनम्र भाव से ऐसा सोचते हैं कि यार मेरी सहायता ये नहीं कर रहे, तो मैं इस आंदोलन को या इस विद्रोह को कैसे समाप्त करूंगा। तो इसके लिए मेवाड़ महाराणा जो सरदार सिंह थे, वो सहायता की मांग करते हैं कि यार कुछ न कुछ ऑप्शन तो मेरे पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए। तो एक नाम आता है आउट्रम। क्या नाम आता है? आउट्रम। ट्रम से याद रख लेना, आउट्रम। ये एक सैनिक अधिकारी था अंग्रेजों का। क्या था? अंग्रेजों का सैनिक अधिकारी था। उससे सुझाव मांगते हैं कौन? सरदार सिंह, महाराणा सरदार सिंह।
क्या सुझाव मांगते हैं कि यार ये इस तरह से, जैसे अपने आपने देखा होगा कि कोई भी समस्या आपके क्षेत्र में उत्पन्न हो जाती है या आपके घर में उत्पन्न हो जाती है तो आप उसके लिए सबसे बड़े लोगों के पास जाते हैं। अगर वहां से समस्या समाधान नहीं हो पाती, सहायता नहीं मिलती है आपको, तो आप किसी दोस्त के पास जाएंगे। तो उनका दोस्त समझ लो आप किसका, सरदार सिंह का, आउटरम को, जो एक सैनिक अधिकारी था। तो आउटरम इनको सुझाव देता है कि आप क्या कीजिए, एक मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कर दीजिए उदयपुर में, मेवाड़ में। तो ये सुझाव इनको अच्छा लगता है महाराणा सरदार सिंह को, और इनके कहने पर ही ये मेवाड़ बिल कॉर्पस कोर की स्थापना कर देते हैं। कौन करते हैं? महाराणा सरदार सिंह। और इसका कमांडर किसे नियुक्त करते हैं? विलियम हंटर को। और सुझाव किसका था? आउटरम का। याद यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ये मैंने आपको बताया इसका कारण कि मेन फैक्ट कारण क्या था इस मुख्यालय को स्थापित करने का। बहुत बड़े रीजन निकल कर आते हैं इस जो ये मुख्यालय स्थापित किया था इसके भी। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया नहीं आया? ये बात आती है कब की? 1841 में। फिर 39 के 2 वर्ष बाद ही मेवाड़ बिल कॉर्पस कोर की स्थापना कर देते हैं महाराणा द्वारा। ठीक है, और 1955 से लेकर 1855 से लेकर 1800 अगर बात करें अपन 19वीं सदी के अंत तक भी कोई विद्रोह नहीं होता है। ठीक है, 1855 था, यहां से लेकर 1855 तक तो कोई विद्रोह नहीं होता है। और फिर 19वीं सदी में लास्ट तक में सबसे ज्यादा बिलों के द्वारा विद्रोह किया गया था। यानी कि जैसे अपन बात करें 1881 से लेकर 1886 के बीच में, 47-84 के बीच तक ये एक चरण आता है जिसमें सबसे ज्यादा बिलों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया? सभी को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूँ, 1841 में स्थापना होती है मेवाड़ बिल कॉर्पस कोर की, जिसका कमांडर किसे बनाते हैं? विलियम हंटर को। मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में। 2 छावनियां इसके द्वारा बनाई गई थी ताकि बिल आंदोलन ना करे, विद्रोह ना करे, इसलिए ये बनाया गया था। ये एक तरह की आप छावनी समझ सकते हो। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई छावनी थी ना, जैसे ही एक यहाँ के महाराणा द्वारा बनाई गई छावनी थी। ठीक है, भारत के प्रथम बिल सेना की बात करें, कहां से आई थी? बंबई प्रांत से आई थी। उस सेना का नाम क्या था? खान देसी बिल कॉर्पस। ठीक है, 1839 में महाराणा सरदार सिंह द्वारा एक सुझाव मांगा गया था। किसके द्वारा? आउटरम के द्वारा सुझाव दिया गया कि आप इसकी स्थापना करो, इसीलिए इन्होंने स्थापना करी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? मिटा देता हूं इसके, बिल आंदोलन चल रहा है अपने, तो बिल आंदोलन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेन इंपोर्टेंट क्या कारण रहते हैं कि बिलों द्वारा आंदोलन किया गया था। वही जैसे किसान आंदोलन थे वैसे ही बिल आंदोलन है। इनके द्वारा भी कुछ चीजें वही थी, जैसे ये स्थानीय शराब बनाते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसकी एक डाकन प्रथा थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसके विरोध के कारण ही बिल आंदोलन करते हैं। ठीक है, देखो कुछ संस्कृति रहती है, अपनी अपनी संस्कृति, अलग अलग जाति में, अलग अलग जनजाति में अपनी एक संस्कृति है, उनके साथ छेड़छाड़ी करते हो तो कोई आपको सहन भी नहीं करेगा, एक आग निकल कर आती है। ठीक है, ये एक धर्म की बात होती है कि बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी संस्कृतियों को दमन कर देते हैं, या फिर एक समझदारी की बात होती है कि हाँ ये गलत हो रहा है, इसको खत्म कीजिए। ठीक है, तो बिल द्वारा फिर 1955 तक तो आंदोलन नहीं चला, बाकी अगर बात करें 19वीं सदी के अंत में भयानक विद्रोह हुआ। क्या हुआ? भयानक विद्रोह किया गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? बिलों के द्वारा। 1847 के लगभग 1847 के 84 के मध्य ये एक भयानक विद्रोह हुआ। ठीक है, इनमें कारण क्या था, विद्रोह का कारण क्या था? कारण मैं आपको लिखा देता हूं, प्रतिबंध लगाए गए थे अंग्रेजों द्वारा, महाराणा के द्वारा, जो इनकी बिलों की जो संस्कृति थी, कुछ नीतियां थी इनकी, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे अपन बात करें स्थानीय शराब बनाने पर प्रतिबंध, स्थानीय शराब बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया अंग्रेजों द्वारा, तो इसे भी क्या बढ़क गए? बिल बढ़क गए। बिल जनजाति के जो लोग है वो क्या करेंगे? आप विद्रोह करेंगे। इसको क्या बोलते थे पहले आपको पता होगा? करारो पड़ी। क्या बोलते थे इसको? स्थानीय शराब जो बनाने, उसको करारो पड़ी बोलते थे, करारो पड़ी। ठीक है, ऐसा कुछ नाम आता है करारो पड़ी, इसको बोलते हैं स्थानीय शराब बनाने की जो विधि रहती है या फिर एक संस्कृति रहती है उनको, उसको बोलते हैं करारो पड़ी। ठीक है, इसके बाद बात करें इनके द्वारा क्या कर दिया? भूमि बंदोबस्त कर दिया गया, नियम बना रहे भूमि बंदोबस्त के,
मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि भूमि बंदोबस्त क्या होता है, एक भूमि के अलग नियम बना देना उसके भूमि बंदोबस्त बोलते हैं, ठीक है। अवैध धन वसूली, अवैध धन वसूली ये करते थे बिल, तो इस पर भी क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, भूमि बंदोबस्त इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और बात करें अपन डाकन प्रथा, इस पर भी क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। बाकी अलग अलग आदि आदि कुछ चीजें रहती है जिनके द्वारा बिलों पर जो कार्य किए जाते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे करके एक अंग्रेजों के मध्य और बिलों के बड़े बड़े नेता रहते हैं उनमें समझाइश होती है। आपको पता होगा एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी होती है 1846-47 की बात होती है, जिसमें एक थानेदारी को मार देते हैं बिल, वहां पर लड़ाई हो जाती है, इनके मध्य लड़ाई हो जाती है, जिसमें एक नाम आता है रूपा जी का, उनकी हत्या कर देते हैं वहां के पुलिस अधिकारी, फिर ये लड़ाई करने के लिए जाते हैं वहां पर, थाने में आग भी लगा देते हैं, ऐसी चीजें उत्पन्न हो जाती है। फिर अंग्रेज इससे परेशान हो जाते हैं, अंग्रेजों के मध्य और इनके मध्य फिर समझौता होता है, फिर समझौते में वही सारी बातें रखी जाती है, आप हथियार नहीं उठाओगे, आप महाराणा की बातें मानोगे, आपके द्वारा प्रतिबंध लगाई गई जो चीजें थी उनको मानो, आप ये प्रतिबंध रहेगा इनको नहीं लगाएंगे, तो ऐसे करके समझाइश होती है। और कुल मिला के जो डाकन प्रथा थी इसको बिल मान जाते हैं और ये डाकन प्रथा का प्रतिबंध लग जाता है पूर्णतः, और इससे बिल संतुष्ट भी हो जाते हैं कि ठीक है ये जो डाकन प्रथा हमारे द्वारा प्रचलित है इस पर हम बैन लगाते हैं और हम इसको मान लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं निकल कर आता है, ये मैं आपको एक स्टोरी की तरह एक बिल आंदोलन के जो गुरु गोविंद गिरि जो निकल कर आते हैं वहां तक ले जाना चाहता हूँ, आप वहां तक जाइए मजा आएगा क्लास में फिर उसके बाद, ठीक है। तो 19वीं सदी के अंत में भयानक विद्रोह आता है 1847 में 84 के बीच में, और कारण रहता है प्रतिबंध के, कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा देते हैं और इनके कारण प्रतिबंध लगने के कारण यहाँ पर भीड़ आक्रोश हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और ये क्या कर देते हैं, एक आंदोलन विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो थाने में जाते हैं, आग वगैरह लगाते हैं, वहां पर रूपा जी की हत्या हो जाती है, वो अलग अलग चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है वहां पर, ठीक है। ये एक स्टोरी का पार्ट आ जाता है जो आपको बताना रहता है। तो यहाँ तक आज खत्म करेंगे इस क्लास को, क्योंकि ये काफी बड़ा है, अभी एक क्लास और लगेगी जिसमें बिल खत्म भी हो जाएंगे और बहुमत आंदोलन अपन शुरू कर देंगे, ठीक है। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।